बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको स्टोरी सम्स करवाया था। एक्सरसाइज 3.4 में मैंने आपको कंप्लीट जो भी स्टोरी सम्स थे वो सभी सम्स मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप एचसीएल फाइंड आउट करते हो, राइट? तो आज हम देखने वाले हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हमें क्या दिया हुआ, अंडरस्टैंडिंग एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट? क्या है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स? तो मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर क्या होता है? अगर आपको इसमें डाउट है तो ये आपको पहले जो वीडियो है एक्सरसाइज 3.1 और 2 वो आप जरूर देखें, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट मल्टीपल्स एंड फैक्टर के डिटेल कॉन्सेप्ट बताए हैं। आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो आपको दिया है मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ टू जो है, जैसे हम टू को वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू आ गया, फिर टू को टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर थ्री से कर रहे हैं, राइट, फिर फोर से कर रहे हैं, फिर फाइव से कर रहे हैं, तो इस हिसाब से चलता रहता है। तो ये जो है टू का कॉमन मल्टीपल्स, यानी आप मल्टीपल कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा मल्टीपल ऑफ थ्री जो है, जैसे मल्टीपल ऑफ थ्री थ्री हो जाएगा, फिर टू से मल्टीप्लाई करोगे, फिर थ्री से करोगे, राइट, फिर फोर से करोगे, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये तो आपको टू का मल्टीपल आ गया, ठीक है, और ये थ्री का मल्टीपल आ गया। बट हमें क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लें। लीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, छोटा से छोटा। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे अमोंग द कॉमन मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज सिक्स। तो सबसे जो छोटा मल्टीपल है वो क्या आ रहा है हमारा, सिक्स आ रहा है, ठीक है। सो द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू और सिक्स का जो है, टू और थ्री का जो होगा वो सिक्स आ जाएगा। यानी आप फाइनली आप ये देख पा रहे हैं कि टू और थ्री का जब आप एलसीएम निकालेंगे ना तो आपका जो आंसर आएगा कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। अच्छा अब देखो इनको एलसीएम्स निकालने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। अभी हमने लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखे हैं, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्या कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करना सिखाया था, तो उसी के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एलसीएम भी निकाल सकते हो। सो एग्जांपल नंबर 12 में दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम राइट ऑफ 28 एंड 30 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो आपको पहले क्या करना है, 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसका प्राइम फैक्टर ये निकल के आ गया, राइट, और 30 का प्राइम फैक्टर निकल के ये आ गया। अब देखो इसमें जो कॉमन है पहले वो ले लो, उसके बाद जो बच रहा है वो सारे वैल्यूज लेने हैं। तो देखो जो कॉमन आया, कॉमन पहले मैंने ले लिया, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 7। तो देखो 2, 3, 5, 7, अब सभी को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो द एलसीएम ऑफ 28 एंड 30 इज 420, राइट? तो 420 क्या होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए एक एग्जांपल्स और है। अब देखो कह रहे फाइंड द एलसीएम, अब आपको थ्री डिजिट दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 15 है और 18 है। तो बच्चों तीन दे दे या चार दे दे या पांच भी क्यों ना दे दे, आपको वही प्रोसेस अपनाना है, पहले इसका फैक्टर लिख लेना है, राइट। अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम होता है तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे 10 है तो पहले 2 से लग रहा है तो आप इस हिसाब से कर सकते हो, 15 है तो पहले देखो ये 3 से कट रहा है तो यहाँ आप इस हिसाब से 5 रख सकते हो, 18 है तो आप 18 का पहले फैक्टर निकाल सकते हो इस हिसाब से, ठीक है, ये 9 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा। तो पहले सभी में कॉमन पार्ट देखो, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, राइट। तो देखो आप सबसे पहले देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, तो एक कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, तो हमने 3 ले लिया, है ना। उसके बाद जो बच रहा है ना वो वाला पार्ट, तो 5 बच रहा है, 3 बच रहा है, अब ये सभी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। द एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 18 इज 90, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम निकालते हैं। अभी बच्चों मैं एक्सरसाइज में आपको डिटेल 1-to-1 आपको करवाऊंगा, राइट। चलो तो आगे मेथड से हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, राइट, क्या है सॉर्ट डिविजन्स मेथड, राइट। तो हम सॉर्ट डिविजन मेथड से भी क्या कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, बहुत आसानी से। जैसे अभी हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाला
निकालना सीखे थे, सभी को अलग अलग किए थे, बट शॉर्ट डिविजन मेथड तो सभी को एक साथ आप कर सकते हैं, है ना। सो देखो आपको कह रहे फाइंड द एलसीएम्स ऑफ 8 एंड 12। तो 8 और 12 देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर हम लगाते हैं 2, तो 2 से कट गया, फिर 6 आ गया, फिर 2 से लगाए, है ना। ये सब तो बहुत बेसिक है, तो ये आपके नंबर्स आ गए, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 4 4 2 8 8 3 24, राइट। तो 24 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा 8 एंड 12 का। सेम बच्चों आपको यहाँ पे दे रखा फाइंड द एलसीएम्स ऑफ 21 14 एंड 42। तो आप इनको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन है, इसमें तीन वैल्यूज दे रखे हैं, तो पहले उसी से आंसर करेंगे। ये आपको एग्जांपल नंबर 16 दे रखा है, फाइंड द एलसीएम्स ऑफ 10 15 एंड 18, राइट। ये भी आपको इजी है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे, ऑलरेडी ये सॉल्व है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो एक्सरसाइज में आपको दिया है 3.5 में फाइंड द एलसीएम, क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी हमने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो जो नंबर्स हमें दिया जा रहा है ना, उस नंबर का हमें क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो जैसे आप यहां पे देखिए, फर्स्ट में दे रखा है 24 दे रखा है, 36 दिया हुआ है, तो 24 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 36 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और फिर उसमें देखेंगे ये कॉमन क्या पार्ट है। तो पहले हम कॉमन पार्ट लेंगे, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर बच जाएगा वो पार्ट ले करके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने इस हिसाब से किया है, 24 को पहले हमने 2 से डिवाइड किया 12 आया, फिर 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया, फिर 6 को 2 से किया तो 3 आ गया। अब ये सबसे छोटा फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, राइट, और 3 से ये डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा। तो पहले देखो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है हमारा, तो ये 2 आ गया, तो ये 2 आ गया, तो 2 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक 2 है, तो ये फिर 2 हमने लिखा, फिर यहाँ पे 1 3 है, तो ये 3 लिख दिए, क्योंकि ये 3 और ये 3 तो कॉमन आ रहा है, तो एक आ जाएगा और एक एक्स्ट्रा है, तो ये लिख दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 4 4 2 8, राइट, 8 आ गया, और 3 3 9, तो 9 8 72, 72 आ जाएगा। तो क्या आया हमारा एलसीएम्स, 24 और 36 का जो एलसीएम्स आया वो 72 आ गया, क्लियर हुआ। चलो अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, 42 और 70, वैसे मैंने यहां पे लिखा है फैक्टर ऑफ 42, तो आपको फैक्टर से नहीं करना है, आपको प्राइम फैक्टर से करना है ना। तो पहले हम 42 का प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, तो 2 से लग जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा। अब देखो ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से काटना पड़ेगा, तो 7 आ जाएगा। अब 70 का प्राइम फैक्टर लिखिए, तो 2 से कीजिएगा तो 35 आ जाएगा, और 35 जो है अब तो 3 से कटेगा नहीं, तो 5 से काट दो तो 7 आ जाएगा। तो देखो अगर मैं एलसीएम की बात करूं, तो पहले कॉमन वाला पार्ट ले लेते हैं, तो कॉमन पार्ट 7 है, तो हमने 7 ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखो कॉमन पार्ट 2 है, तो हमने 2 ले लिया, ठीक है। अब क्या बच गया, 3 और 5 बच गया, तो हमने 3 लिख दिया और 5 लिख दिया। अब आप चाहो तो इनको अरेंज कर सकते हो कुछ इस हिसाब से, या फिर अगर आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा अब देखिए जी, 7 5 35, 35 2 70 हो जाएगा, ठीक है, और 7 21 210, यानी 210 आ जाएगा। यानी 42 और 70 का जब आप एलसीएम लेंगे ना बच्चों, तो आपका जो रिजल्ट आएगा 210 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में क्या करना है, ये बच्चों प्राइम फैक्टर निकालना था, मैंने फैक्टर लिख दिया है। तो चलो 18 का पहले हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 27 है, देखो 27 तो 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया। अब आप चाहो तो पहले कॉमन वाला पार्ट लिख दो, तो ये और ये पार्ट कॉमन है, तो पहले हमने 3 ले लिया, ठीक है। अब देखो कॉमन कोई नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा 1 3 और है बच्चों, तो ये 3 और ये 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 आ जाएगा। फिर क्या हो गया, 2 और अगेन 3, इसका कोई कॉमन नहीं है तो ये लिख दिया, इसका भी कोई कॉमन है तो लिख दिया, तो 3 3 9, 9 3 27, और 27 2 54, 7 2 14, 54, यानी
54 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी 18 और 27 का जो एलसीएम आएगा ना वो 54 आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, राइट। अच्छा अब आप यहां पे देखिए 12 है और 15 है, इसका निकालना है तो आपको पहले 12 का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो ये 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 15 है तो 15 को ये तो 2 से होगा नहीं 3 से होगा, तो 5 3 15, ठीक है। अब तो कटने वाला कुछ है नहीं, तो इसमें तो कॉमन पार्ट 8 3 है तो ये 3 आ जाएगा, तो 3 ले लीजिए, अब तो कोई कॉमन पार्ट है नहीं, तो 2 × 2 × 5, तो देखो 5 2 10 और 3 2 6, 6 10 60, तो 60 क्या होगा एलसीएम निकल के आ जाएगा, तो 12 और 15, तो 12 और 15 का जो एलसीएम निकालेंगे आप तो क्या निकल के आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमें क्या दे रखा है 40 और 32, राइट। तो 40 और 32 का अगर आप प्राइम फैक्टर से एलसीएम निकालते हैं तो पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो ये 20 आ जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करो 10, फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 आ जाएगा, फिर 32 को करो तो 2 से करोगे 16, फिर 2 से करोगे 8, फिर 2 से करोगे 4, अगेन 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए 32 इसमें भी है, 32 इसमें भी है, ठीक है, तो ये आपका 2 × 2 × 2 आ गया। अब देखो यहां पे 2 2 एक्स्ट्रा है तो यहां पे 2 2 और लिखना पड़ेगा, और इसमें 5 एक्स्ट्रा है तो 5 लिख दीजिए, तो यहां पे आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 62 32, 32 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10, 5 3 15, 32 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 2 10, 5 3 15, 160 क्या होगा आपका एलसीएम आ जाएगा, यानी 40 और 32, तो 40 और 32 का जो एलसीएम आएगा बच्चों वो आपका क्या निकल के आ जाएगा 160 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए क्या कह रहा है आपको, यहां कह रहा है 15, 25 और 30, इसका आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है ना, किसके हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर लिख दिया है तो आपको फैक्टर नहीं लिखना है, प्राइम फैक्टर लिखना है। तो चलिए पहले 15 का निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर, तो ये तो 3 और 5 हो जाएगा, 25 का प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो 5 5 आ जाएगा, 30 का निकालोगे तो 2 3 और 5 आ जाएगा। तो पहले हम कॉमन वाला पार्ट लेते हैं सब में से, तो ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो 5 तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है तो 3 ले लेंगे, ठीक है। अब आप देखो कोई कॉमन है क्या, नहीं, ये 2 है और ये 5 है, तो यहाँ 2 लिखिए और ये 5 लिखिए, तो देखो 5 5 = 25, ठीक है, 25 2 = 50 और 50 3 = है ना 5 3 15 150 आ जाएगा, राइट। तो 15 25 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो 150 आ जाएगा, क्या होगा 150 आ जाएगा, 5 5 = 25 और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है 150, तो दैट इज द आंसर। अच्छा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 12 है, 15 है, 40 है, इसका हमें क्या करें प्राइम फैक्टर निकालना है, तो यहां मैंने लिख रखा है तो 2 से इसको करोगे तो 6 आ जाएगा, फिर इसको 2 से करोगे 3 आ जाएगा, ये 3 से ही होगा तो 5 आ जाएगा, इसको 2 से करो तो 20, फिर 2 से लगाओ तो 10, अगेन 2 से लगाओ तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है, तो हमें क्या चाहिए पहले कॉमन वाला पार्ट चाहिए, तो देखो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, तो सबसे पहले देखो 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है तो हम 2 ले लेंगे, फिर 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है तो हम 2 ही लेंगे, ठीक है। अब देखो जी इसमें कॉमन 3 है और इसमें कॉमन 3 है तो हम 3 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ कॉमन है क्या, यस, इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है तो हम 5 ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद कुछ नहीं है, 2 है तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 = 4 4 2 = 8 8 5 =
40, 8 5 40 और 4 3 12 120 120 आ जाएगा। 120 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, यानी 12, 15 और 40 का जो एलसीएम आएगा वो 120 आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो 10, 15 और 20 है, तो 10 को पहले प्राइम फैक्टर निकालो तो ये 5 आ जाएगा, 3 से करोगे 5 आ जाएगा, 2 से लगाओ तो 10, फिर 2 से लगाओ तो 5। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले कॉमन वाला पार्ट लो, तो कॉमन देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो 5 तीनों में कॉमन है तो पहले हम वो ले लेंगे। अब 2 देखो कॉमन इसमें भी है और इसमें भी है तो ये 2 ले लेंगे। अब देखो कॉमन कुछ नहीं, 2 और 3 बच जाएगा तो मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 और 3 2 6 6 10 60, तो 60 आपका क्या होगा एलसीएम निकल के आ जाएगा। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए 20 30 और 50 है, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे 10, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 5, 2 से डिवाइड करोगे 15, फिर 3 से डिवाइड करोगे 5, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे 5। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे ना तो क्या निकल के आएगा, देखो पहले तीनों कॉमन ले लो, तो मैंने 5 ले लिया। अब उसके बाद देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हमने ले लिया सभी में, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है किसी में, 2 इसमें है, 3 इसमें है और 5 इसमें है, तो 2 3 और 5 अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300, तो 300 क्या होगा एलसीएम आ जाएगा। यानी 20, 30 और 50 का जो एलसीएम लेंगे ना आप तो 300 आ जाएगा। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 33 22 एंड 11, इसका आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो देखो ये तो 11 से ही डिवाइड होगा, 11 3 जा 11, इसको आप चाहो तो 2 से कर सकते हो 11 आ जाएगा, ठीक है, या 3 से लगाओगे तो वही बात है 11 आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमेशा छोटा नंबर से लगाते हैं ना, तो ये आप कर लेना, और यहाँ तो 11 से ही लगेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आप देख रहे हो क्या होगा, तो 11 तो कॉमन है बच्चों सब में, इसमें भी 11 कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब देखो क्या है, 2 है और 3 है, तो यहाँ 3 2 जा 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 एलसीएम आ जाएगा, क्या होगा 66। यानी आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, 3 2 जा 6, 6 को 11 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जितने भी ये क्वेश्चन थे 1 to 10 सभी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अब देखो क्वेश्चन बी में क्या कह रहे हैं बच्चों, फाइंड द एलसीएम बाय द सॉर्ट डिवीजन मेथड। तो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझाया, उसके बाद सॉर्ट डिवीजन मेथड भी समझाया था, तो सॉर्ट डिवीजन मेथड पे मैंने एक दो एग्जांपल्स भी आपको दिखाया था और उनके बेस पे आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया जा रहा है। देखो फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, 30 एंड 55 का सॉर्ट डिवीजन मेथड से क्या करना है आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सॉर्ट डिवीजन मेथड क्या होता है बच्चों, दोनों को एक साथ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, या दो हो या तीन हो। तो देखो पहले ये 2 से कट रहा है और ये 5 से कट रहा है, तो जब तक 2 से लगेगा हम 2 से ही लगाएंगे, ठीक है। अच्छा तो ये आ गया, अब देखो ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से ये कट रहा है बट ये नहीं कटेगा, तो 3 से इसको काट दो तो 5 3 15 ये हो जाएगा फिर। अब देखो 5 से कट रहा है तो ये 5 से इसको काट दो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए 2 3 5 और 11, राइट। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देंगे, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना आप आसानी से, देख लो 3 2 जा 6, राइट, और 11 5 जा 55, तो 55 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 5 30 के 0, 6 5 30 3 33, है ना, तो 330 आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा, क्लियर। अच्छा अब देखो हमें कह रहे हैं 42
और 70 का हमें एलसीएम निकालना है शॉर्ट डिवीजन मेथड से। तो पहले 2 से लग रहा है तो 2 से लगा, तो ये क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा, ये हो जाएगा 35। अब देखो ये 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, अच्छा हाँ 3 से ये कट जाएगा तो ये 7 आ जाएगा, और ये 3 से कटेगा नहीं तो 35 ही आ जाएगा। अब ये 7 से 5 से कट जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 × 5 = 35, ठीक है। अब ये 7 से कट जाएगा तो ये 1। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या होगा 2 × 3 × 5 × 7। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख देना 3 × 2 = 6 × 7 = 35, तो 35×6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6×5 = 30 के 0 हाथ में 3, राइट, 36×18 = 18, 3×21 = 210। तो ये 210 जो है आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 9 और 27 का एलसीएम निकालना है किससे, शॉर्ट मेथड से। तो देखो 3 से कट रहा है दोनों, तो 3 × 9 = 27, फिर ये 3 से कट रहा है, राइट, तो ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, यानी आपका जो एलसीएम आया 3 × 3 × 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो ये 27 जो होगा आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। अच्छा अब देखो 12 है और 20 है, काफी इजी है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, फिर 2 से लग रहा है तो 3 और ये 5, तो 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 30 × 2 = 60, राइट। तो आपका जो है एलसीएम जो निकल के आएगा बच्चों 2 × 2 × 3 × 5, देखो 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30 और 30 × 2 = 60, तो 60 आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 20 और 65 है, तो ये 2 से लग रहा है तो 2 से काट दो, 10 आ जाएगा, और ये तो कटेगा नहीं बच्चों, ठीक है, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 5 आ जाएगा और ये 65 भी आ जाएगा। अब देखो ये 3 से कट नहीं रहा है तो 5 से लगाएंगे, 5 × 5 = 13, 5 × 65, ठीक है, तो 13 × 5 = 65, यानी इसका अब एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 × 2 × 5 × 13, तो 2 × 2 = 4, 13 × 5 = 65, तो 65 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 = 20 हाथ में 2, 6 × 2 = 24, 25 × 26 = 260 आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा। डिवीजन मेथड है, आपको कैसा लगा और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, है ना, कि दोनों मेथड में से आपको कौन सा मेथड बेस्ट लगता है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगता है या फिर आपको शॉर्ट डिवीजन मेथड लगता है। चलिए तो देखते हैं 10, 15 और 25 का। तो देखो इसमें जो है 2 से लग रहा है तो 2 से लगा दो पहले, 5, 15, 25, ठीक है। अब ये देखो 5 से कट रहा है, 5, 3, 5, अब आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, तो 10 × 15 15 × 150 आपका क्या होगा एलसीएम निकल के आ जाएगा, यानी 10, 15 और 25 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 150 आ जाएगा। अब देखो 14 है, 16 है, 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 से डिवाइड करो यहाँ पे, 7, 8 और ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा 7, 4, 2, फिर 2 से हो जाएगा 7, 2, 1। अब देखो 7 × 2 = 14 आप डायरेक्ट निकाल दो, आप चाहे तो इसको और भी छोटा कर सकते हो लेकिन करने के बाद ये रिजल्ट आएगा इसलिए हम यहीं पे छोड़ रहे हैं ना, तो 2 × 4 = 4, 4 × 8, राइट, 8 × 2 = 16, ठीक है। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 6 = 42 हाथ में 4, तो 7 × 4 = 11, है ना, तो कितना आ जाएगा 112 आपका एलसीएम आ जाएगा, राइट, 7 × 6 = 42, 7 × 4 = 11, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करे, 27, 54 और 63 दे रखा है। अच्छा तो हमें क्या करना है, पहले जो 2 से कट रहा है तो 2 से काट लेंगे हम लोग, 27 आ जाएगा, ये हो जाएगा 27 × 2 = 54, ठीक है, ये हो जाएगा 63। अब 2 से कट नहीं रहा है तो 3 से काट दो, 9 × 27, 9 × 27, राइट,
और 2 21 तिया 63, ठीक है। फिर ये 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, राइट, 7 तिया 21। फिर ये 3 से कट जाएगा, 1 1, और ये हो जाएगा 7, राइट। तो अब आप एलसीएम निकाल सकते हैं, देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो जाएगा, और 27 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अच्छा, 7 दूनी 14 हो जाएगा ना बच्चों, 14 करो। तो देखो 27 को आपको क्या करना है, 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 के 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2 है ना, 7 के 7 चौक 28, हाथ में 2 आ गया, 4 दूनी 8, 2 10, ठीक है, 7 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 7 8 हो जाएगा। तो 3 7 8 जो है ये आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है, 21 14 और 35 है। तो ये देखो 2 से कट रहा है, तो पहले 2 से काट दो, तो 21 हो जाएगा, अच्छा 7 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब देखो ये 3 से कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है, 7 5 35, हाँ 5 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 3 से काटो, तो ये 7 आ जाएगा, ये 7 और ये 35। अब ये 5 से कट रहा है, तो 7 7 7 5 35, अब ये 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो देखो 7 5 35, 35 और 35 दूनी 70, तो क्या हो जाएगा, 70 तिया, तो 7 तिया 21, 210। तो 210 क्या होगा बच्चों, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, 7 5 35, ठीक है, 35 दूनी 70, ठीक है, 70, 70 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 21, 210। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया एलसीएम्स, तो ये क्या निकल के आ गया, 210 निकल के आ गया। तो आई होप आपको ये जो शॉर्ट डिवीजन मेथड दिया जा रहा था उसमें 1 to 10 क्वेश्चंस थे, तो 1 to 10 सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, राइट। और बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर्स एंड बाय बाय।